तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों बहुत दिन से, आज वापस ही यानी 2 दिन से वीडियो आया है, ठीक है, कोई ज़रूरी काम था। अब हम शुरू करते हैं हमारा यानी कि अगला जो पार्ट है। जैसे हमने मानव बस्तियाँ जो कि अध्याय नंबर 4 था भूगोल के अंदर, उससे अगला पार्ट है अपना अध्याय 5 जो कि भू संसाधन तथा कृषि, ये पार्ट है अपना। तो भू संसाधन तथा कृषि के बारे में देखेंगे। वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने पाठ का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। अब थाने ध्यान है, भू यानी भूमि, संसाधन यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु संसाधन कहलाती है। कृषि, कृषि जिसमें हम खेती करते हैं, तो वो भू संसाधन तथा कृषि। अब इसका मतलब तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हम भू संसाधन तथा कृषि की बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो भूमि का उपयोग आप भी देखते हैं, कुछ भूभाग तो या नदियाँ हैं, कुछ भाग भूमि के भाग पर तो नदियाँ हैं, कुछ पर वृक्ष हैं तथा कुछ पर नदियाँ, सड़कें, इमारतें इस प्रकार से बनी हुई हैं। यानी विभिन्न प्रकार की भूमि में यानी अलग अलग उपयोग है भूमि का, ठीक है। नहीं, भूमि का अलग अलग उपयोग है। कहीं पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो कहीं पर सड़कें हैं, कई पर इमारतें हैं, इस प्रकार से। दोस्तों अपने किताब के अंदर दे रखा है अगला, यानी भू उपयोग वर्गीकरण, यानी भू उपयोग वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे, भूमि का वर्गीकरण, ठीक है। नहीं, तो अपने किताब में दे रखा है कि भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार से, यानी कि जैसे दे रखा है, जैसे वनों के अधीन क्षेत्र है, बंजर व व्यस्त भूमि इस प्रकार से दे रखा है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह क्षेत्र, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि और निवल बोया क्षेत्र। तो ये प्रमुख दे रखे हैं दोस्तों, ये पॉइंटों को हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, हम सबसे पहला पॉइंट दे रखा है अपने वनों के अधीन क्षेत्र, यानी भूमि के अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भू उपयोग यानी भूमि के वर्गीकरण कीजिए, तो इस प्रकार से पॉइंट लिखने हैं हमें, ठीक है। नहीं, ये सब पॉइंट। तो वनों के अधीन क्षेत्र, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने वनों के अधीन क्षेत्रों की, ठीक है। नहीं, तो वनों के अधीन क्षेत्रों की मैं बात करूं, तो जैसे ये क्षेत्र जो है वो वनों के अधीन होते हैं। थन ज्ञान है, सरकार द्वारा जो है वन क्षेत्र है उसका सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहाँ वन विकसित हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, तो वन कहाँ होंगे, जहाँ विकसित हो यानी विकसित पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वनों के अधीन क्षेत्र, ये इसमें क्या लिखना है, ये क्षेत्र वनों के अधीन होते हैं, सरकार द्वारा वन क्षेत्रों की सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि जहाँ वन विकसित हो सकते हैं, यानी कि वनों यानी वृक्षारोपण कहाँ किया जाता है, वृक्षारोपण उसी जगह किया जाता है जहाँ पर कोई यानी वृक्ष अच्छे तरीके से वो वृक्ष बड़ा हो सके, ठीक है। नहीं, तो ये बात आप समझ सकते हैं, यानी वन विकसित हो सके, ये इसमें लिखना है वनों के अधीन क्षेत्र के अंदर। दूसरा पॉइंट अपने दे रखा है बंजर वे व्यर्थ भूमि। अब इसका क्या मतलब है, जैसे बंजर वे व्यर्थ भूमि का, तो बंजर भूमि आप जानते हैं कि ऐसी भूमि जो प्रौद्योगिकी के द्वारा यानी कि कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी है भूमि और मरुस्थल, यानी मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कोई पहाड़ी जगह है, ठीक है। नहीं, वहाँ पर पहाड़ी है तो पहाड़ी पर आप खेती कर सका नहीं, कर सका नहीं, तो वो बंजर भूमि है, ठीक है। नहीं, तो दूसरे पॉइंट में अपने ये चीज़ें लिखनी है कि ऐसी भूमि जो प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी हो गई, बंजर पहाड़ी भूमि होगी, मरुस्थल हो गया, क्या मरुस्थल यानी रेगिस्तान के मायने आप खेती कर सका नहीं, कर सका नहीं, तो आप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं, अगला जो अपना किताब में पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। क्या है दोस्तों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अब इको का मतलब है, इको देखो देखो, इस वर्ग की भूमि का उपयोग सड़कों, नहरों, उद्योगों, दुकानों आदि के लिए किया जाता है, यानी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का इसका जो उपयोग है वो देख सकते हैं कि नहरों, उद्योगों और दुकानों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नहीं, अगला दे रखा है अपना स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र, इस प्रकार की जो अधिकतर भूमि है वो ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है, यानी स्थायी जो चारागाह क्षेत्र है वहाँ पर किसका जो अधिकार होता है, या तो ग्राम पंचायत का यानी अपने पंचायत का, या फिर सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग जो होता है दोस्तों वो निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। तो स्थायी चारागाह क्षेत्र में इतना सा लिखना है। इसके बाद हम अगला बात करें पॉइंट, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। अब इसके अंदर क्या बात है, देखो इस वर्ग में वे भूमि शामिल है जिस पर उद्यान एवं फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की जो भूमि है, ज़्यादातर भूमि जो है वो निजी 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 स्वामित्व में होती है।
अब देखो देखो ये विविध तरु फसलों, तरु मतलब तरु को ना पर फल के बाद, तरु फल पर्यायवाची, तो तरु यानी फल, यानी फल वे फलदार वृक्ष इस प्रकार की भूमि में ज्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आज ध्यान रखो कि विविध तरु फसलों के अंदर उपवनों के, उपवन यानी बगीचे, उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र यानी यहाँ पर बगीचे फल आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो इसमें ये लिखना है आगे है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब देखो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि इसको क्या मतलब, वे भूमि जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रहती है वे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है, समझ रहे हैं दोस्तों। कृषि योग्य यानी इस भूमि का जो उद्गार है वो करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है, यानी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मतलब यानी अपना जैसे एक बार वापस सुन, वे भूमि जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित है, कृषि रहित है समझ रहे हैं, वे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। इस भूमि का उद्गार करके हम कृषि योग्य बनाई जा सकती है, पेड़ पौधा है उबा, ठीक है। नहीं पेड़ पौधे खड़े हैं, कई प्रकार से पत्थर हैं, तो यानी हम जैसे वैसे लगाकर हम इसके क्या है कि एक तरीके से हम अपने खेत बना सकते हैं, ठीक है। नहीं वहाँ पर कृषि कर सकते हैं, तो ये है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसके बाद हम अगले जो बात करें दोस्तों, तो आगे बात करें नहीं हम तो वर्तमान प्रतिभूमि। अब वर्तमान प्रतिभूमि के मतलब है वे भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है, ठीक है। नहीं इसके बाद पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रति यानी पुरातन का मतलब पुरानी, पुरानी प्रतिभूमि ये भी कृषि योग्य भूमि होती है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है, समझ रहे हैं दोस्तों। यानी एक से 5 वर्ष के बीच में कोई भी प्रकार की यानी कि कृषि जो है वो प्रकार की फसलें की जा सकती है, ठीक है। नहीं नेवल बोया क्षेत्र अगला आता है, नेवल बोया क्षेत्र वे भूमि जो फसल वहाँ पर फसलें उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है वही तो नेवल बोया क्षेत्र कहलावा। नहीं अगर आपने नेवल बोया क्षेत्र समझ गए होंगे, फसलों को काटना और उगाना वो अपना नेवल बोया क्षेत्र है, ठीक है। नहीं साझा संपत्ति संसाधन वे भूमिया सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है, ठीक है। नहीं सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है सिर्फ ये भूमिया साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधनों से चारा है, ईंधन है तथा फल वे औषधि आदि प्राप्त होती है। चारा जैसे सेवन घास इस प्रकार से, ठीक है। नहीं ईंधन लकड़ियाँ बकड़ियाँ फल और इस प्रकार से कई प्रकार की औषधि प्राप्त होती है हमें, तो साझा संपत्ति में लिखना है। आगे किसान व महिलाओं के लिए इसका क्या महत्व है, तो किसानों के लिए इसका महत्व है कि वो जो कृषि भूमि के बिना नहीं होता है, ठीक है। नहीं किसानों के लिए महत्व है कि वहाँ पर कृषि के बिना यह संभव नहीं, कृषि के बिना नहीं होता। पशु चारकों के लिए इसका महत्व है कि पशु चराने के लिए वहाँ पर चारागाह चाहिए, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। और महिलाओं के लिए तो चंग से लकड़ियों की लकड़ियाँ मिल जाती, कई आराम से जाती हैं कि जंगलों के अंदर, तो आराम से लकड़ियाँ वगैरह चूक के आराम से अपने यानी कि रोटी बोटी बनाने के, सब्जी बनाने के लिए काम मिल लेती है, तो ये समझ सकते हैं। आगे अपने किताब में एक महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है कि आगे है कि भू संसाधनों का महत्व, यानी भू संसाधनों का महत्व क्या क्या है, भूमि के जो संसाधन है इनका क्या क्या महत्व है, तो थे जानो के भूमि है कि भूमि को महत्व तो थे समझो है। वैसे देखो भूमि को कहीं महत्व है तो समझ रहे हो, नहीं किसानों के लिए इसका महत्व है, किसानों के लिए तो वैसे महत्व है, किसान खेती करता है तो यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे यानी अपनी खेती में कई जैसे फसलें बोता है, ठीक है। नहीं फसलें बोता है जैसे गेहूँ की फसल, चावल की फसल और जैसे कई प्रकार की फसलें हैं, मक्का है इस प्रकार से, बाजरा है, ठीक है। ये किसानों के लिए महत्व हो गया। अब पशु चारकों के लिए अधिक महत्व, पशु चारकों का मतलब समझ सकते हैं जैसे भेड़ भेड़ चराते हैं, ठीक है। नहीं वो है पशु चारक, यानी जंगलों में जाते हैं भेज अपने भेड़ भेड़ बकरियों को चराते हैं तो उनके लिए भी महत्व है यानी भूमि, तो ठीक है। नहीं भूमि के संसाधनों का महत्व पड़ रहे हैं। इसी प्रकार देखें तो महिलाओं के लिए अधिक महत्व, महिलाओं के लिए तो अधिक महत्व है जैसे महिलाओं के लिए जैसे लकड़ी की जरूरत पड़ जाए तो लकड़ी लेके आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम देखें तो भूमिहीनता के गरीबों यानी भूमिहीनता, भूमिहीनता का मतलब भूमि में कमी, ठीक है ना, भूमि की कमी। भूमिहीनता के गरीबों का सूचक माना जाता है, भूमिहीनता जो है इसको गरीबों का सूचक माना जाता है, ठीक है। बेथानी ध्यान है भूमि की कमी रही तो बस गरीबों को सूचक तो है जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक व्यक्ति दो व्यक्ति उसमें से एक व्यक्ति के पास लगभग 5 खेत है, ठीक है, 5 बीघा जमीन है और एक व्यक्ति के पास लगभग आधा आधा बीघा जमीन है, तो एक व्यक्ति के पास 5 बीघा दूसरे व्यक्ति के पास आधा बीघा, तो ये तो बिल्कुल गरीबों का सूचक है जी, ठीक है ना, समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो ये अगर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भूमिहीनता के कारण गरीबों का ये सूची, भूमिहीनता जो है ये गरीबों का सूचक माना जाता है।
इसके बाद दे रखा है कि भूमि की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता कृषि कार्यों में प्रभावित करता है, भूमि की जो गुणवत्ता है वो कृषि कार्यों में प्रभावित करता है। दोस्तों बिल्कुल आज छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हर दिन क्लास लेने की, लेकिन अब क्या करें, अब परिस्थितियाँ ऐसी बन रखी है, ठीक है। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। इसी तरीके से कल मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, इससे अगला पार्ट कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।